हेलो एवरीवन, मेरा बॉयफ्रेंड है ना, जो तुम भी मेरे साथ कर रही हो, उसका बदला लेने ज़रूर आएगा मिंसो। ओहो, वो तुम जैसी घटिया लड़की को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तुम सिर्फ एक खिलौना हो मिस्टर फोर जिंसी के लिए, जो कि किसी औरत को चूज़ कर सकता है जब मर्जी। मुझे ना उनके साथ मत डराओ, तुम जिंसी है, मुझे बचाने आएगा। ओह, अब आवाज़ ही नहीं आ रही। ऐसा लगता है वो जो मोमबत्ती सी थी ना, उसने रोंगिंग का माइंड को कंट्रोल कर लिया है। मैं जोयंग को अभी कांटेक्ट करती हूँ, तुम अब आ सकते हो। जो मैसेज है ना, वो सक्सेसफुली भेज दिया गया है। अब जाओ, जब आएगा ना तो उसे बर्बाद कर देगा। तुम किसे बर्बाद करोगी? फूजिंग सिंह क्यों आ गया? ये औरत है जिसने मुझसे बोला था कि मैं मिस यू को मीटिंग रूम में लेकर आऊँ, और उसने ना नशे वाली वो वाली दवाई वहाँ पर डाल रखी। मैं गलत था मिस्टर फू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बकवास, प्लीज़ इसे की मत सुनिए मिस्टर फू, रोंगिंग उस रूम में नहीं है। मुझे फू को रोकना होगा रोंगिंग को ले जाने से, वरना मेरा प्लान है ना फेल हो जाएगा। दरवाजे को खोलो। यस सर। इसने मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने से मना कर दिया। ये इस बत्ती को अभी बुझाओ। यस सर। ये इंट्रोड्यूटर कौन है? क्या जाएंगे? क्या तुम ठीक हो? ये मेरे पास मत आओ, मैं किसी को मेरे क्लोज नहीं आने दूंगी। ये मैं हूँ यीन। क्या तुम जिंक्सी हो? ओह, मैं लेट था, और मैं दोबारा नहीं होने दूंगा ऐसा कुछ। जिंक्सी, चलो घर चलते हैं यीन। फक, मैंने नियरली सब कुछ कर लिया था। फू अचानक से कैसे आ गया? क्या रोंगिंग सच में इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? आप इस औरत के साथ कैसे डील करेंगे माई लॉर्ड? ये मोमबत्ती दोबारा चालू कर दो और को इसी रूम में फेंक दो। प्लीज़ नहीं मिस्टर फू, मैं तो सिर्फ रोंगिंग से मजाक कर रहा था, और मेरा मतलब उसे हर्ट करने का नहीं था। मजाक? मैं उसे हार्म नहीं करूँगी, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है। मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूँगा, फेंको इसे। क्या? यस सर। हाँ, दरवाज़ा मत बंद करो, मुझे बाहर आने दो। अब हम क्या करें माई लॉर्ड? घर जाओ और जल्दी से डॉक्टर सुसे बोलो कि इनको ठीक करने के लिए आए। यस माई लॉर्ड। मुझे बाहर जाने दो। ओह, ये जो दवा है ना, वो मुझ पर काम करी, और जो यहाँ पे जल्दी आएगा। मैं तो गई, अगर रोंगे को यहाँ से लेकर चले गए। पर मैंने ना केयरलेस ही इंग्लिट करा था वाइन में, इससे पहले कि मैं रोंगे को फूक करूँ। वो मुझसे ना भीख मांगेगी, क्योंकि उससे ना उसे फूक करने के लिए, क्योंकि उसे इतने लंबे समय से रूम में बंद कर रखा है। इतना अनकम्फर्टेबल है। मैं तुम्हें एक ही बारे में कंफर्टेबल कर दूंगा। मुझे बहुत बैड फील हो रहा है जिंक्सी। इसके साथ क्या हुआ है डॉक्टर सो? ये तुम्हें बेटर होना होगा। इसने कुछ ज़्यादा ही वो धुआं था ना, वो सूंघ लिया है, और वो बिल्कुल भी बेटर फील नहीं करेगी जब तक उसका डिस्कम्फर्ट रिमूव नहीं कर देते। मैं उसे नहीं बताऊँगा कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं इसके साथ ये नहीं कर सकता जब ये इतनी वीक है। यहाँ पर कोई भी मिरेकल ड्रग नहीं है, वो डेंजर में हो जाएगी अगर उसकी कंडीशन ऐसी चलती रही तो। मैं जानता हूँ, तुम जा सकते हो। ओके, मैं ना लॉर्ड फोर मिसी का ना ट्रू कपल बनने में ना थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। जिंक्सी, मैं यहाँ पर हूँ। यिन, प्लीज़ मेरी मदद करो। तुम ये नहीं कर सकती। क्यों? मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता जब तुम अच्छा फील नहीं कर रही। ये इतनी ईजी जॉब नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड बनना, कि मैं उसे इतनी इजी जॉब नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड बनना कि मैंने इसे चेरिश करना चाहता हूँ और इन्जॉय करना चाहता हूँ हमारा कंजम्पशन एक बहुत बेटर मोमेंट पे। अब मैं होश में हूँ, और मैं जानती हूँ तुम मेरे आदमी हो, बट मैं तुम्हें मेरी वर्जिनिटी देने के लिए तैयार हूँ, उस आदमी को जिसे मैं सच में प्यार करती हूँ। ये मैं कहाँ हूँ? ये बस कैसी है? हाँ, तुम यहाँ क्यों आए हो जॉइंग? क्या हो गया? क्या हुआ? हमने लास्ट नाइट करा ये तुमसे मिंगजम में, मुझे लगा था कि वो लड़की तो रोंगिन थी। क्या मैस है वो तेरी की। तुम मीटिंग रूम में क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरा बहुत बुरा नाम होगा अगर ये जो अफवाह गॉसिप है ना ऐसे चलता रहा तो। इनकी हिम्मत कैसे इतनी शेमलेस चीज़ें यहाँ करने की? वेल, मुझे देखकर तो एक्साइटेड हो रही है। ये अनबिलीवेबल है कि ये मिंगजिंग किसी के साथ सो ही है, इतना
बदसूरत आदमी जॉइंग के साथ बहुत बैड टेस्ट है। सुनो, तुम सारे के सारे निकाले जाओगे अगर तुमने हिम्मत करी ये दोबारा बताने की तो। मैं उसे नर्क में भेज दूंगी तुम्हारी होमलिटेशन के लिए तुम्हें, रोंगिन। लास्ट नाइट क्या हुआ था? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जिनसी मेरे बगल में लेटा हुआ है। मैं मिंगजो के इविल प्लान में ना फंस गई थी, बट समय सही समय पे ना मुझे जिंसी ने बचा लिया। और फिर मैंने इसके साथ लास्ट नाइट करा और मैंने उसे इतने सारे स्वीट वर्ड बोले थे। जग गई यिन? क्या तुम जग गई? नहीं, मैं बहुत शाय हूँ इसे फेस करने के लिए। क्या ये शर्मा, अरे ये क्या ये मेरे साथ नहीं करने वाली थी? शायद मैं कुछ ज़्यादा हॉट हेडेड था। मुझे माफ़ कर दो यिन, मैं अपने आप को लास्ट नाइट कंट्रोल नहीं करा। इसे मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था और अपने आप को फोर्स करा इस पर। तुम आराम कर सकती हो, मैं नारायण से कहूँगा कि तुम्हारे ब्रेकफास्ट बनाए। ये शायद इसका मूड ना हो मेरे को देखने का भी। प्लीज़ वेट, तुम्हें मुझसे इसकी वजह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें मैंने फोर्स करा था। क्या तुम गुस्सा नहीं हो? क्यों, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा करा था और हम दोनों ने इंजॉय करा लास्ट नाइट, और मैं थोड़ी सी शाय थी अभी तो। मैंने तुम्हें दुखी तो नहीं कराना यिन? मैं ना तुम्हें जब से चेरिश कर रहा हूँ, जब से तुमने कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, बट मैं चिंता कर रहा था कि तुम मुझे डिसलाइक करोगी क्योंकि जो चीज़ मैंने करी उसकी वजह से। मैंने गलत आदमी में ट्रस्ट करा था, बट मैं तुम्हें प्यार करूँगी मेरे दिल मेरे सोल के साथ, क्योंकि इस समय मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है। मैंने जिंसी को इतना अनुक्षिस करवा दिया जब मेरे को रिबर्थ हुआ है उसके बाद। प्लीज़ वो रिपीट करो जो तुमने मुझे कल बोला था। क्या हमें करने की ज़रूरत है? मैं सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और मैं तुम्हार से ही हमेशा हमेशा के लिए प्यार करूँगी। मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेरा फ़ोन, ओह ये अलार्म क्लॉक है, ये काम का होगा। ये शॉर्ट स्वीटनेस है ना, काम के रूटीन काम दे देती हैं। जो इफेक्ट नहीं उस धुएं को, वो शायद अभी भी यहाँ पे है। घर पर रहो और आज अच्छे से आराम करो। क्या होगा अगर तुम दोबारा से डेंजर में आती हो अगले दिन काम पे? मिंगजू है ना बहुत बोलेगी अगर मैं नहीं दिखाई दी। मैं उसके साथ तो हिसाब चुकता करूँगी जो इसने साथ मेरे साथ किया उसके लिए। मैं तुम्हारे लिए हैंडल कर लूँगा। इसके साथ सही हुआ, शायद उसके जो कलीग्स हैं ना उन्हें पता लग गया होगा कि जॉइंग इतना इनडिसेंटली उस मीटिंग रूम में उसके साथ लेटा पड़ा है। क्या मैंने मिंगजो को ना उस मीटिंग रूम में फेंक दिया था जहाँ पे वो धुआं था कल, और फिर उन्हें ना उनकी ही मेडिसिन का टेस्ट करवाया। यही है पनिशमेंट उसके लिए। तुमने एक अच्छा काम करा, वो ना क्रेजी हो जाएगी क्योंकि जब वो जॉइंग के साथ सोएगी, बट वो ईजिली कवर अप कर देगी स्कैंडल क्योंकि वो ना शेयर होल्डर की बेटी है। मैं इसे ना पूरी दुनिया को बतवा दूंगा, मतलब पूरी दुनिया को पता लग जाएगा इसे। कैसे? तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम ऑफिस में जाओगे। स्टार एंटरटेनमेंट, मैं काम पे जा रही हूँ। प्लीज़ वेट, मुझे तुम्हारे साथ थोड़े और समय के लिए रुकने दो। नहीं, मुझे बता दो जब तुम किस चाहते हो नेक्स्ट टाइम। शर्माओ मत, ऐसा नहीं जैसे तुम सोच रहे हो, बट मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कार से उतरने के लिए। हाँ, मुझे लगा था ये मुझे जाने देगा जब मैं इसे किस कर दूँगी। प्लीज़ हिज लॉर्डशिप को ना व्हीलचेयर पे सपोर्ट करिए मिसिए। ओके, क्या तुम मुझे मेरे काम के घंटों में भी फॉलो करोगे? मैं भी यहाँ काम करूँगा। क्यों, तुम ये क्या यहाँ पे काम करने वाले हो? पर क्यों? प्लीज़ मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ ले चलो मिस्टर नारायण। सिंस जिंस कब से जिंसी वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टार एंटरटेनमेंट का बन चुका है? क्या उसने पूरी कंपनी खरीद ली है? मैं तुम्हें काम के बाद मिलता हूँ। हाँ, इतना एक्साइटेड लग रहा है कि इसने खरीदी ली होगी। नो वंडर इसने मुझे ना पूरी सुबह से मुझे गैसी करवा रहा है। क्या मिंगजू के बारे में गॉसिप कर रहे हैं? ये मिंगजू जो न्यू एम्प्लॉय है ना, और उसकी बेटी जो न्यू एम्प्लॉय है ना, वो शेयर होल्डर की बेटी है, और वो ना जॉइन के साथ मीटिंग रूम में लेटी हुई थी। रियली जो मीटिंग रूम है ना, वो ऐसी जगह नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए। अफवाह तो सच है, हमारे करीब ने ना उन दोनों को नंगे देखा था
इस सबेरे, और जो फोटोज है ना उन्हें ऑनलाइन डाल दी गई हैं। ओ माय गॉड, जो सिल्वर स्पून में सी मिंग्जो है ना, वो उसे ऐसा सिर्फ चीज़ें घर पे करने चाहिए थी। ओहो, पूरी ऑफिस में पता है ये। क्या शेमशी काम के लिए आएगी? यू पिच रॉन्ग इन। ओह, तुम यहाँ आ गई। तुमने जाइंग और मुझे एक टॉपिक में बना दिया है ना। मैंने उन ऑल लुक्स को वॉर्न करा था कि इसे फैलाए ना, बट अब तो सब इसे जाना रॉन्ग ही नहीं होगी जिसने सब स्टार्ट करा होगा। तो मैं सिर्फ यहाँ एक ही मोमेंट पहले आई हूँ और मेरे पास कोई भी समय नहीं था ये करने के लिए, बट मैं रात भर अच्छे से सो पाई। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा काम कैसा था? तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें अच्छी नींद आई? सोना सोना, ये मुझको इज्जत करिए, इतना हैपक्रोट मत बनो। कौन हिम्मत करेगा ऐसे गॉसिप करने के? मिस ये मिंगजोर, मैं इनोसेंट है। हम तुम पे केस करेंगे अगर तुम हमसे ऐसी बातें करते रहोगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ऐसी जो अफवाह होती है ना, ये किसी ना किसी कारण से तो फैलते। तुम और मिंगजोर ने कुछ तो इंडिसेंट करा होगा ना, तभी तो ये अफवाहें आ रही हैं। हम इनोसेंट हैं। जो बायस्टैंडर है ना, लगता है मिंग्स इन्होंने खरीद लिया। रोंग इनके पास कोई एविडेंस नहीं होगा अगर हम इन्हें मानने से मना कर देते हैं तो। अफक कहती है, और जो फोटो है ना तुम्हारी आधे नंगी की, वो आधे नंगी बॉडीज की, वो ऑनलाइन है क्या? ओ नो, ये तो एक स्कैंडल बन गया, मेरा करियर तो गया। शिट, किसने हिम्मत करी मेरी बात ना मानने की? जो स्टोन है ना वो वापस तुम पे ही फेंका जाता है अगर तुम दूसरों पे फेंकती हो तो। तुमने ये सब करा है? ये जो हार्ड एविडेंस है ना वो अवेलेबल है, ये एक बिच है। इसकी जो चिल्लाना है ना, इसी अगर ऐसे चिल्लाती रहे ना तो इसका जो बखेड़ा हुआ है ना इसके साथ, और जल्दी से इसे सबको पता लगेगा। एक बिच ने शिट के साथ सोई है। शट अप, वरना मैं अपने फादर से बोलूँगी कि तुम सबको फायर कर दें। मेरे पास एक मैसेज आया मिस्टर ईस, उसने मुझसे बोला कि आपको बोर्ड ऑफ ऑफिस लेकर चलूं। मेरे फादर यहाँ पे हैं। मैं अपने फादर से सबसे पहले तुम्हें बाहर फेंकवाऊंगी। ओहो, अपना समय लो, तुम भी निकाल दी जाओगे मिंगजो। हेलो एवरीवन, ये वाला ट्रांसलेशन था। आहो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।